सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सादे पानी में एक शर्ट धोने से हम कुछ गंदगी को हटा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कुछ गंदगी तेल से बनती है जो पानी में बंग नहीं होती है। तो हम इस गंदगी को कैसे हटा सकते हैं, वो जानने की पहले आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करो और सभी लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए घंटी आइकॉन दबाइए। हम अपने विषय पर वापस आ गए हैं। हम इस गंदगी को कैसे हटा सकते हैं? हमें गंदे कपड़े साफ करने के लिए साबुन या डिटर्जेंट जैसी कुछ विशेष रसायनों की सहायता की आवश्यकता है। साबुन और डिटर्जेंट रासायनिक रूप में अलग है, लेकिन उनका कार्य समान है, इसलिए हम सोप मॉलिक्यूल की काम को समझने के लिए एक साबुन के अणु का एक सामान्य स्ट्रक्चर लेते हैं। सोप मॉलिक्यूल दो भागों से बना है, एक सिर और एक पूंछ। सिर में सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलेट होते हैं। यह आयोनिक है, मतलब है कि इसका कुछ प्रभार है। यह हाइड्रोफिलिक भी है, इसका मतलब है कि इसका पानी का आकर्षण है। अब हमें पूंछ देखते हैं। यह नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन समूह की लॉन्ग चेन है। यह हाइड्रोफोबिक है, इसका मतलब यह पानी से घृणा करता है। जब साबुन सफाई के लिए जोड़ा जाता है तो साबुन अणुओं के सिर पानी में घुल जाते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन चेन तेल की गंदगी में घुलती है। वे एक विशिष्ट पैटर्न में व्यवस्थित हो जाते हैं कि अणुओं की पूंछ तेल की बूंद की ओर व्यवस्थित होती है, जबकि सिर बाहर निकलते हैं। इन क्लस्टर्स को माइसल्स कहा जाता है। वे फाइबर से गंदगी को टीला कर देते हैं। हालांकि यह टीली तंतुओं से गंदगी को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हैंड वॉश या मशीन वॉश गंदगी को पूरी तरह से हटाने में साबुन के अणुओं की मदद करते हैं। इस तरह से साबुन और डिटर्जेंट गंदगी को हटा देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद है तो हमें अपनी पसंद पोस्ट करें, अपनी कमेंट्स पोस्ट करें और इस वीडियो को अपनी दोस्तों को साझा करें।